इसमें फ़र्क आता है, जो लैग वगैरह वो कम हो जाता है। तो भाई अभी 3 स्पार्क प्लग लिए हमने। स्पार्क प्लग डलवाने के बाद जब जैसी गाड़ी स्टार्ट करेंगे और आप रन करोगे ना कार को, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि हाँ भाई मज़ा आ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई पसीना आ रहा, गर्मी हो रही है। तो भाई आज ना मैं क्या कराने जा रहा हूँ अपनी अल्ट्रोज में, तो आज मैं वहीं पे आया हूँ अपने जानकार के पास। तो मैंने YouTube पे काफ़ी वीडियोस में देखा कि इसके स्पार्क प्लग चेंज कराने से इसमें फ़र्क आता है, जो लैग वगैरह वो कम हो जाता है। तो भाई वही टेस्ट करने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। तो मैं यहाँ से स्पार्क प्लग खुलवाऊंगा और यहाँ पे मनी माजरा है, तो वहाँ पे हम टू व्हीलर पे ही जाएंगे। तो मैं लास्ट टाइम भी 2-व्हीलर पे ही गया था। आपा गाड़ी वहाँ नहीं खुलवाते, आप अपनी जानकार के आसपास ही गाड़ी खुलवाते हैं। तो मनी माजरा अपना मन नहीं करता काम कराने का, तो जानकार पे आए हैं अपने, तो वहाँ पे पंगे होते हैं भाई मनी माजरा में ना, हमारे साथ ठीक नहीं हुआ कभी। तो हम हमेशा अब यहीं पे अपने जानकार पाजी के पास आते हैं। तो अब क्या सीन है कि स्पार्क प्लग निकाल रहे हैं, एक स्पार्क प्लग लेके जाएंगे और इरिडियम स्पार्क प्लग है, मैंने कोई चेक करा है गूगल पे और काफ़ी वीडियोस में, तो मैं वही देखने जा रहा हूँ कि क्या उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता गाड़ी पे। तो हम लोग टेस्ट करेंगे और रियल रिव्यू आपको दूंगा। और अभी निकाल रहे हैं पाजी के स्पार्क प्लग, तो एक ही लेके जाएंगे और 3 अपना लेके आएंगे इरिडियम, और जब लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं और वहाँ पर पहुँच के भी आपको सब कुछ बताता हूँ मैं। तो भाई स्पार्क प्लग निकाल लिया, ये रहा भाई के हाथ में नैपकिन में है क्योंकि गर्म था। स्पार्क प्लग तो ठीक लग रहा है, ऐसी होता है। पर 100 किलोमीटर में ऐसा हो जाता है। हाँ, तो स्पार्क प्लग तो ठीक लग रहा है, बट परफॉर्मेंस चेक करनी है हमने कि फ़र्क आता है कि नहीं अपग्रेड करने से। तो भाई ये रही अपनी एक्टिवा और निकलते हैं। तो कौन सी कंपनी का ये, कोई कंपनी नहीं है लेना? चैंपियन भाई साहब, मेरे को तो ना नाम ही नाम नहीं पसंद वैसे ये। तो चलो एक्टिवा पे बैठ रहे हैं और अपन निकलते हैं मनी माजरा और लेके आते हैं फिर नए स्पार्क प्लग। तो भाई अभी 3 स्पार्क प्लग लिए हमने, पैसे 4 आते हैं भाई, 4 का सेट होता है। तो हमने थोड़ा बोला तो उन्होंने समझ लिया कि हाँ भाई अपनी 3 सिलेंडर गाड़ी है तो 3 दे देते हैं इनको। और भाई कुमरा मोटर्स आए थे हम लोग मनी माजरा में, तो 1560 रुपये के भाई ये स्पार्क प्लग आए हैं 3, और अब जाते हैं इसको फिट करवाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या फ़र्क आता है कि नहीं आता, कि हमारे पैसे मिट्टी में जाते हैं। तो भाई गाड़ी पर पहुँच चुके हैं, स्पार्क प्लग हम लोग ले आए और अब बोनट खोल लेंगे। खुला ही हुआ बोनट, तो ये रहा अपने भाई के हाथ में स्पार्क प्लग, तो हम खोल सकते हैं बोनट। लगाइए डंडा, यस। तो भाई ये बोला स्पार्क प्लग जो खोल के ले गए थे वो यहाँ पे था फिट, और ये 2 और हैं, और ये आ रहे अपने 3 स्पार्क प्लग, ठीक है। और ये कुछ इसका MRP है 590, और ये अपना लाश है, ये पुरानी पुराना निकला था। तो भाई अब फिट करेंगे। ऑलमोस्ट डन फटाफट, और ये पुराने वाले हमने इसमें डाल दिए। स्पार्क प्लग तो ठीक था, बट देखते हैं कुछ फ़र्क आता है कि नहीं आता, तो लेट्स सी। तो भाई लग चुके स्पार्क प्लग, तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो गाड़ी निकालनी थोड़ी सी मुश्किल है यहाँ से। भाई मैंने जैसे कि स्पार्क प्लग चेंज कराए थे, आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया था। आप किलोमीटर नोट कर लेना अब कितनी चल चुकी है और तब कितनी चली थी। तो नियर बाय अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो 3000 प्लस किलोमीटर मैंने चला दी स्पार्क प्लग चेंज कराने के बाद। तो भाई अब क्या सीन है, मैंने स्पार्क प्लग चेंज करा के इतनी चलाई है, तो भाई एक पूरा परफेक्ट मैं रिव्यू बता सकता हूँ कि उस स्पार्क प्लग के बाद मेरी गाड़ी में डिफरेंस कितना है। मैं कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रहा कि स्पार्क प्लग या किसी ब्रांड की, वैसे भी अपने को कौन ही स्पॉन्सर करने वाला है, अभी इतने सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। तो सिंपली मैं आपको ये बताता हूँ कि ना, एक सेकंड रुकना,
तो भाई ये फ़ोन डिस्टर्ब नहीं करेगा, म्यूट कर दिया है। तो भाई कुछ ऐसा है, सिंपल मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, शायद आपको समझ आ जाएगी। जो जो अल्ट्रोस चला रहे हैं काफ़ी टाइम से, उन ओनर्स को तो ईजिली समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखो, जैसे मैंने गाड़ी रोकी, ठीक है, गाड़ी लैग करती है ना बहुत ज़्यादा। अब मैंने फर्स्ट गियर डाला, गाड़ी चलनी शुरू हुई। अब अभी देखना, बहुत पिकअप आ रहा है भाई, उसके बाद से बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। ये सेकंड गियर स्पीड देख लो, ये मैंने थर्ड गियर डाल दिया है, गाड़ी बंद नहीं हो रही है। कितनी स्पीड है? 20 की, ठीक है, 20 पे थर्ड गियर पे चल रही है। मैं एक्सीलेटर दूँ, ये मैंने एक्सीलेटर दिया और गाड़ी उठ रही है, देखो। और बहुत फ्लुएंटली उठ रही है गाड़ी, उठ रही है, सॉरी ये, ठीक है। फोर्थ गियर डाल दिया, ठीक है, ये सिर्फ स्पार्क प्लग की वजह से हुआ है। ये मैंने ना गाड़ी और स्लो करी, लो थर्ड गियर 30 की स्पीड, फिफ्थ गियर गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, कोई इतना बड़ा स्ट्रगल नहीं आया है। और आप जो जिनके पास भी अभी अल्ट्रोस है और सिंपल स्पार्क प्लग्स हैं, भाई चला के देख लेना और कंपेयर करके देख लेना भाई, बहुत डिफरेंस आया है। और ये तो सिर्फ मैं एक गियर के थ्रू समझा रहा हूँ कि गाड़ी के उसमें फ़र्क आया। एक सिंपली अगर मैं छोटा सा और एग्जांपल दूँ, आप अपनी गाड़ी ना चलते हुए में भी चाहे अपने गाड़ी के जो साइड वाले ये है ना अपने ग्लास, ये ना ऊपर नीचे करके देखना। एक बहुत छोटा सा एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अब मैं समझाता हूँ एक बार। जैसे मैं गाड़ी चला भी रहा हूँ ना, थोड़ा समझाना मुश्किल हो रहा है। अब गाड़ी अगर मेरी चल रही है ना, इन स्पार्क प्लग के बाद चलती हुई गाड़ी में, जैसे मैं ये नहीं बोल रहा खड़ी गाड़ी में, चलती गाड़ी में एक्सीलेटर मैं दे रहा हूँ जब गाड़ी चल रही है, आपका ना शीशे की स्पीड देखना कितनी फास्ट अप हो रही है। ये जैसे कि पता नहीं कौन सी इसके अंदर मतलब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बढ़ गई है, क्या हो गया देखना। आपके अल्ट्रोस में देख लेना, आपका शीशा इतनी तेज़ नहीं ऊपर जाता होगा। अब क्या देखा जाए तो सिर्फ स्पार्क प्लग से इतना डिफरेंस तो आना चाहिए, शायद ये मिथ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डलवाने के बाद मैंने देखा था। अब काफ़ी समय हो गया, मैं नहीं कुछ कह सकता, ये आप लोग देखकर कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि मेरा और कोई फ्रेंड भी नहीं इसके पास अल्ट्रोस हो जो मैं कंपेयर कर पाऊँ। पर मैं आपको इसलिए वीडियो में दिखा रहा हूँ कि आप अपनी अल्ट्रोस साथ कंपेयर कर सकते हो और देख सकते हो कि भाई गाड़ी में डिफरेंस कितना है। और भाई अब 0 to 100 तो करने का मन नहीं है, ठीक है, 0 to 100 करके देख ली थी पहले ही बस। हाँ देखो, एक सिंपल सी बात बताऊँ, जो फर्स्ट गियर के बाद जो सेकंड गियर डलता है भाई, देखो वो लैग तो है, वो लैग अगर आप सोच रहे हो कि चला ही जाएगा, देखो नहीं जाएगा, ठीक है, पर पिकअप बहुत ज़्यादा हो गया है, देखो बहुत हल्का सा हो गया वो लैग। और पावर बहुत अच्छी आती है, गाड़ी बहुत अच्छी पावर डिलीवर करती है गाड़ी, ये देखो। जैसे एक नॉर्मल गाड़ी फोर सिलेंडर कार रन करती है ना, नियर बाय उसके पास पहुंच जाती है गाड़ी सिर्फ एक स्पार्क प्लग के चेन से। मैं आपको बता रहा हूँ 110% आपको फ़र्क फील होगा, भाई इतने महंगे स्पार्क प्लग लगवाए हैं यार, छोटी मोटी बात तो है नहीं, टॉप के स्पार्क प्लग्स वही थे, ठीक है, मैंने ढूंढ के वही डलवाए, 3 स्पार्क प्लग लिए, तीनों फिट कराए। और डिफरेंस ना आप तुरंत आप लेके जाओगे ना चला के, आप स्पार्क प्लग डलवाने के बाद जब जैसी गाड़ी स्टार्ट करेंगे और आप रन करोगे ना कार को, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि हाँ भाई मज़ा आ गया। तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी यूट्यूब पर, काफ़ी रिसर्च करी, फिर मैंने ये स्पार्क प्लग डलवाए। मैं चलो डलवाते हैं और काफ़ी ड्राइव करी, ड्राइव करने के बाद फिर मैं आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ कि हाँ। और भाई 110% गारंटीड आपकी एवरेज में भी फ़र्क आएगा, आपकी एवरेज बढ़ जाती है गाड़ी की, मैंने ये खुद देखा है हाईवे पे भी और लोकली भी। ये देखो भाई लोकली एवरेज आ रही है, ये देखो। ये भी नहीं है कि अगर आप गाड़ी पूरी पेलोगे मतलब पूरा एक्सीलेटर दोगे, ठीक है, अपना लाइट फुटी गाड़ी अगर चलाते हो ना, तो जैसे चलाते थे वैसे ही चलाओगे ना अगर, तो मिनिमम एक की एवरेज का डिफरेंस पड़ जाएगा 1 किलोमीटर पर लीटर का, ये फॉर श्योर है। अब ये थोड़ी है कि अगर आप चलाते ही बहुत रफ हो और उसमें भी अगर आप एवरेज ढूंढ रहे हो तो भाई उसमें भी नहीं आएगी तो इसमें भी नहीं आएगी। हाँ लाइट फुट चलाओगे, नॉर्मली चलाओगे तो भाई एवरेज बहुत प्यारी आने वाली है। मैंने हाईवे पे 120 से नीचे नहीं चलाई और गाड़ी ने मेरी 19 के आसपास की माइलेज दी थी, ठीक है। और जब मैं इसको और हाई रन करता स्पीड पे तो भाई ऑटोमेटिकली कम हो जाती है एवरेज। ये विदाउट एसी है, विद एसी 18 की माइलेज कहीं नहीं गई थी भाई। मैं भी वही बहुत स्लो नहीं चला रहा था, मैं हाईवे पे खींच रहा था पूरी गाड़ी, ये नहीं कि बिल्कुल स्लो 80-90, नहीं भाई 100-120। तो भाई ये डिफरेंस आया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको हेल्प कराओ कहीं भी, तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो भाई देखो, अगर आपको सही में अगर वीडियो हेल्प करी हो तो भाई शेयर भी करना, ठीक है, और लोगों को भी बताना अपने अल्ट्रोस वाले भाइयों को कि भाई ये चीज़ इतनी छोटे से खर्चे से अपना रिजॉल्व हो सकती है,
तो भाई क्यों ना ट्राई करें, है ना। तो हमने कौन सा रिमैप कराना है, ये सब छेड़खानी कोई नहीं है हमारी गाड़ी, कोई भी हमारी इसमें वो वॉइड नहीं होती है हमारी कोई वारंटी गारंटी, ठीक है। आप डलवा सकते हो, आपके ओनर्स मैनुअल तक में भी ये मैंशनड है कि आपकी इससे कोई भी वारंटी गारंटी वॉइड नहीं होगी। तो भाई डलवाओ, चेक करो और भाई फील लो भाई गाड़ी की, ठीक है। बहुत लोग निराश हो गए थे गाड़ी के बाद कि यार मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, पर भाई बहुत मज़ा आता है। अब नहीं ऐसा लगता कि हाँ, ये देखो सेकंड गियर डाल दिया मैंने, सेकंड गियर डाल दिया और मैं एक्सेलरेट करूँगा, गाड़ी चल रही है, स्पीड कितनी सी थी, है ना। तो इन भाई को जल्दी इनको चले जाने देते हैं ना, कहीं ट्रेन पकड़नी है इनने जो बाहर सरकार वाले ने, ठीक है भाई। थर्ड गियर डाल दिया, स्पीड देख लो, गियर देख लो, थर्ड है, आगे भी दिख रहा मीटर में, है ना। अब मैं एक्सेलरेट कर दिया, गाड़ी ने कहीं भी स्ट्रगल नहीं किया, है ना, पावर पूरी आ रही है। तो भाई यही दिखाना था आपको कि भाई मेरे साथ, मतलब मेरे को अच्छा लगा ना, मतलब चलो भाई सबके साथ शेयर भी करते हैं, अब चैनल पे वीडियो डाल ही देते हैं, काफ़ी टेस्टिंग हो गई है। तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, भाई बार बार बोल चुका हूँ, अब बार बार नहीं बोलूँगा, मतलब पहले ही बोल चुका हूँ, अब नहीं बोलूँगा। तो भाई चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।